हेलो, वेलकम बैक टू राणा ब्लॉगर दिस साइड। और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं घर पे आया हूँ श्रीनगर से, और काफ़ी टाइम बाद होके आया हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियोस हैं वो बेसिकली जो ये लंगूर होते हैं जिनको हम गोनी बोलते हैं अपनी गढ़वाली में, उनको बताने जाऊँगा आपको। आप देख सकते हैं बहुत ही नुकसान करते हैं ये खेत से लेके किसी भी चीज़ से होके। और हमारे अमरूद का पेड़ है जिसे उन्होंने सारा रात तोड़ दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनका काम क्या क्या है। हमारा अमरूद का पेड़ है और ये देखिए सारा नुकसान किए जा रहे सारे छलांग पे छलांग छत से होके हो जा रहे। ये देखिए आप, ये देखिए 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 भाग गया। वो देखो छत में आप देख सकते हैं, ये देखो इतने नुकसान करते हैं ये सारे लंगूर कि क्या बताऊं। और दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमारे गांव में कुत्तों की बड़ी कमी हो चुकी है। ये देखो यहां से भाग चुका अभी, देखो तो आप लगा सकते हैं आइडिया। ये देखिए बैठे हुए रहते हैं ये पेड़ों के नीचे, यहां पे ऊपर हो गया। अभी मैं यहां से इतनों को भगा के लेके गया यहाँ से, और फिर से इनका आना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हरियाली है। तो दोस्तों इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं क्या कहते हैं, अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। और ये पेड़ है आगे में सीधे सामने पे, और देख सकते हैं आप, ये देखिए इनका हल्ला बोल है यहाँ पर हमारे गाँव मुंडोली में। ये देख सकते हैं आप, सारे लोग बड़े परेशान हो चुके हैं इनसे और घर की छतों पे आ चुके हैं कि ताकि ये नुकसान ना करे। और सब्जी बोई हुई है लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हैं आप दाल है, ये देखो नीचे, ये देखो दोस्तों इन्होंने सारा पेड़ तोड़ दिया है अमरूद का। और अगर आपको भी अमरूद खाने हैं तो मैं आपको अमरूद देता हूँ, अभी निकाल के देता। ये देखो दोस्तों खाया हुआ अमरूद, किसी को चाहिए तो मुझे बता लेना। देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े अमरूद भी हैं, बट लेकिन सारे इन्होंने नुकसान कर दिया यहाँ पे। वो देखो दोस्तों, ये देखो कितना हल्ला हो रहा गांव में। आने ले जा रहा हूँ हमारा जो ये कद्दू का पेड़ है जिसको हमारे यहाँ पे लगला बोलते हैं। इतना लंबा है बट लेकिन इस पर अभी तक एक भी कद्दू नहीं लगे हैं, और पूरे नींबू के पेड़ में ये फैला हुआ है। और देखो इस पर एक भी अभी कद्दू दिखाई नहीं दे रहे हैं, फूल लग चुके हैं लेकिन कद्दू नहीं दिख रहे इस पर। ये देखिए केले का पेड़ है, ये देखो दोस्तों ये हमारे दो नींबू के पेड़ हैं, इनसे हमने बहुत नींबू निकाल के खाए हैं। और आपको ले चलता हूँ अपने लौकी के पेड़ की तरफ। देखिए दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारी लौकी लग चुकी है यहाँ पे, और पेड़ भी इसका काफ़ी बड़ा है पर इस पर लग रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है इस पर। और आपको दिखाने चलता हूँ मैं दूसरा पेड़, ये अमरूद का पेड़ है लेकिन इस पर भी लौकी नहीं लगी हुई है। ये देखो आप देख सकते हैं गाइस, किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि किस किस को चाहिए सब्जी। ये हमारे भुट्टे के पेड़ हैं आप देख पा रहे होंगे, ये देखो बंदरों ने तोड़ के आधे लेके जा चुके हैं। ये हमारा नींबू का पेड़ जिसमें छोटी छोटी कागजी लगती है जिनको हम कागजी बोलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये देखो कई सारे नीचे भी पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं। तो आप देख ही चुके होंगे कि लंगूरों की वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान करना पड़ता है इनकी वजह से हमारे गांव में। इनकी जो आदत होती है, ये गांव के जितने भी सब्जियां होती हैं, जो गांव में फल होते हैं फ्रूट्स होते हैं, उनको तहस नहस करके जाते हैं, ये खाते कम और तहस नहस ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।